ज़ाफ़रान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट ज़ाफ़रान। आप ज़ाफ़रान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में जिस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है और लगातार मरीज़ परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से पिछले हफ्ते में हमने आपको खबर भी दिखाया था कि बिलाल अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन मुंब्रा शहर के जो अस्पताल है इसमें जो कंपनी है जो ऑक्सीजन सप्लाई करती है वहाँ पर जो है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जो है मुलाकात की उन लोगों से, और मुंब्रा शहर में जो भी हॉस्पिटल है उनमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए बातचीत की गई है। उस दौरान जो है गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड के साथ में विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, रेहान पीतलवाला और शमीम खान, एनसीपी के और भी तमाम जो है नगर सेवक कार्यकर्ता मौजूद थे। उस दौरान जो सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन की, उनसे क्या बातचीत हुई है कि मुंब्रा शहर में जो अस्पताल है उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो आगे चलकर। हमारे साथ विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड वहां पर गए हुए थे जहां से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, तो क्या वहां पर ऐसी बातचीत हुई कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए मुंब्रा शहर में? ऐसा है ना कि माननीय जितेंद्र आव्हाड जी गए तो फिर मुंब्रा को सके साथ उन्होंने थाना और पूरे थाना की भी बात की और पूरे महाराष्ट्र में क्या दिक्कत हो रही है उसके लिए भी उन्होंने पूछा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनका ऐसा कहना है आइनॉक्स कंपनी क्या गैस है जो मेन सप्लाई करती है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो थाना के सारे हॉस्पिटलों को और वाशी महापालिका को, कल्याण डोंबिवली महापालिका को, थाने महापालिका को देते, प्राइवेट हॉस्पिटल को, TMC को भी। उनका ये बोला कि हमारा जैसे अभी 40 टन होता था रोज़ जाता था, अभी हमारी डिमांड है ना 70 टन हो गई। कोविड के पेशेंट ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे, यूज़ कर रहे, इसकी वजह से हमारा एक ये प्रॉब्लम हो गया। मेन हमारे को जो एक्चुअली जहाँ से आता था एनॉक्स हमारी को उधर से ऑक्सीजन, उसकी सप्लाई में हमारे को कमी हो गई। ये पूरा इस वजह से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे थाना में, वाशी में भी कई जगहों पर कमी हो रही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये माने जितेंद्र आव्हाड जी, हमारे शमीम भाई जी, हमारे सब रेहान भाई, सब गणेश, हमारे गणेश मुंडे शेख के सब बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे, हमारे सभी टीम के मुंब्रा के जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को आज मैं वहाँ से एक दिन दो दिन पहले लेके आ गया, फिर कोई दूसरा लग गया कब तक करेंगे, तो इसीलिए हमने उनको पूरी चेन, पूरी ऑक्सीजन की कमी कैसा नहीं हो इसके लिए उन्होंने FD मिनिस्टर से बात किए, फिर उसके बाद सचिव से बात किए, फिर वहाँ के DG से बात की कि सारी चीज़ों पर नज़र रखा जाए ताकि बड़ा हादसा ना हो। लेकिन एक ही बात उनकी बात थी कि कंपनी जो है जिंदाल अलीबाग में एक, इसके बाद जिंदाल देती है, वहाँ से लाने में हमको लेट हो रहा है, और हर जगह पे वाशी महानगर पालिका, रायगढ़, थाना, मुंबई, सभी जगहों पे जितना लगता था 40 टन लगता था उसको जगह पर हमको 80 लग रहा है, तो वहाँ पे भी उनकी डिमांड बढ़ गई। इसीलिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर गैस के ऑक्सीजन की कमी दिक्कत हो रही। तो अभी मंत्री साहब गए थे वहाँ पर बातचीत की, तो क्या कहा गया कि मतलब सप्लाई नॉर्मल जिस तरह से हो रहा था कि नहीं पहुँचाया जा रहा है मुंब्रा में, तो क्या यहाँ पर पहुँचाया जाएगा? मंत्री महोदय जाने के बाद उन्होंने हमको 6 टन ऑक्सीजन दिया जो हॉस्पिटल में चले गए। हमारे कोविड हॉस्पिटल के लिए 10 टन ऑक्सीजन मंगाया, वो भी आ गया, वो भी हो गया। उनका यही बोलना था कि हमारे को बड़ी कंपनी है जो हमको सप्लाई करती वो हमारी डिमांड पूरी नहीं करती। मंत्री महोदय ने उन कंपनी को भी बात की और बोले अगर कोई ऐसा हादसा हो गया जिससे पेशेंट की जान को खतरा हुआ तो इसकी जिम्मेदार कंपनी को हम ठहराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मंत्री महोदय ने स्ट्रिक्टली उनको आदेश दिया और DG को, SP को वहाँ पे फ़ोन किया, सेक्रेटरी को फ़ोन किया और बोला अगर ऐसे में कोई आपदा हुई, बड़ा मामला हुआ, तो
तो कंपनी के ऊपर हम केस दाखिल करेंगे और फिर हम छोड़ने वाले। अच्छा शानू भाई, मुमरा शहर में एक और मामला देखा जा रहा है कि मनपा के जो क्लर्क है, कर्मचारी नैनेश भाले राव, वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं जो वो अपने बाइक पे बिठा के कोरोना के सेंटर में लेके जाके छोड़ रहा है। तो ऐसे में एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही है? ऐसे में जो क्लर्क ले जाके छोड़ रहा है उसके भी जान को खतरा है। एक छोटी एम्बुलेंस जो है होनी चाहिए जिसमें कोरोना के जो मरीज़ मिल रहे हैं उन्हें ले जाकर कम से कम वहाँ छोड़ा जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि वो अपने बाइक पे पीछे बिठा कर लेके जा रहा है, हॉस्पिटल छोड़ रहा है। मैं बोलूँ आपको, दिक्कत हमारी महापालिका के जो थाने महानगर पालिका हेड ऑफिस है वो कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रहे। वाशी महापालिका के अधिकारी सुबह से रहते हैं, महापालिका के थाने महानगरपालिका के अधिकारी कहीं ना कहीं ढिलाई रहते। आपको मैंने दो ही दिन पहले इंटरव्यू में बताया, उनको इस पर सख्ती लाना चाहिए। और ये आप ये देखिए कि जो विषय वो लेके जा रहे हैं, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट को बाइक पे लेके जा रहे, वो खुद भी टच हो रहे और उसके बाद वो टैक्स और पानी के डिपार्टमेंट की बिलिंग में भी है। कहीं ना कहीं किससे इससे शहर पे बड़ा धोखा है। इसके ऊपर मैं कल महासभा में बात करने वाला हूँ और मैंने उनको ये कह दिया हूँ कि आप मेरी एम्बुलेंस वहाँ लेके जाइए तात्पोता जब तक आपको एम्बुलेंस नहीं मिलती। आपने सुना जिस तरह से मुमरा शहर में जो ऑक्सीजन, मुमरा शहर में ही नहीं लगभग महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने जो है कंपनी से भी बातचीत की और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी बातचीत की। बहरहाल जो है ऑक्सीजन की सप्लाई मुमरा में जो है सामान्य रूप से अब की जा रही है। जिस तरह से नैनेश भाले राव का एक वीडियो हमने आपको कल दिखाया था कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को अपने बाइक पर वो लेकर जा रहे हैं, लेकिन विरोधी पक्ष नेता अशरफ चानू पठान ने कहा है कि हम जल्दी इस पर काम करेंगे और एम्बुलेंस जो है मुहैया कराएंगे। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।